नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। सभी साधक लोग प्रायः साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप इत्यादि करते हैं, पर एक बात यह होती है कि सबको उस चीज का सही फल नहीं मिल पाता। लोगों को लगता है उनकी साधना में कमी है, या किसी गुरु ने, किसी भक्त ने जो साधना विधि बताई, वो साधना करने के बाद जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं, तो उनको ये लगता है कि ये साधना की कमी है। हो सकता है साधना की थोड़ी कमी हो, लेकिन इसके अलावा जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में तमाम प्रकार के झंझावात आते हैं, तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो इसी में एक परेशानी होती है गृह लक्ष्मी का, यानी गृहिणी का, पत्नी का, माँ का, घर में मौजूद स्त्रियों का। घर के बारे में कहा जाता, स्त्री के बारे में कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सत्कार होता वहां देवताओं का वास होता। तो स्त्री इतनी महत्वपूर्ण है ये गृहस्थ के लिए, तो स्त्रियों को कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ध्यान दें स्त्री को क्या क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे घर में समस्याएं आती है, क्लेश आता है, धन की कमी हो जाती है, नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले घर की सफाई। अगर कोई स्त्री घर में झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद या ज्यादा धूप होने के बाद प्रातःकाल ही झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। अगर इसके बाद आप करते हो तो समझ लो यह सब दरिद्रता की निशानी है, दुख की निशानी है। कंघी करना, कई लोग जब मर्जी तभी कंघी करते हैं। शास्त्र के अनुसार में कंघी सायंकाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो अपने बाल को ऐसे संवार लें हाथ से ही, लेकिन आपको कंघी नहीं करना है रात में। खाना पकाना, कई महिलाएं ऐसी होती हैं, स्त्रियां ऐसी होती हैं, बिना स्नान के ही किचन में प्रवेश कर जाती, और चाय वगैरह ठीक है, नॉर्मल नाश्ता ठीक है, लेकिन भोजन जो शुद्ध भोजन जो भोग लगेगा भगवान को, ऐसा भोजन अगर आप बगैर नहाए बनाती हैं, स्नान किए बनाती हैं, अपने पति को भोजन बगैर स्नान कराए बनाती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में कष्ट की दावत आप खुद दे रहे हैं, कष्ट को खुद बुला रहे हैं। नहाना, घर की सफाई इत्यादि करने के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। घर का काम हो गया तो स्नान करना चाहिए, ये नहीं कि दोपहर में शाम को जब टाइम लगे तब स्नान करना है। घर में झाड़ू पोछा उसके बाद सीधा एक स्त्री को स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है। महिलाओं को भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, यानी कि भगवान की पूजा स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। क्रोध करना, जहां पर स्त्री क्रोध करती है, कटु वचन बोलती है, कर्कश बोलती, वहां पर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती, तमाम प्रकार की समस्याओं का आगमन हो जाता है। झाड़ू को पैर से मारना, झाड़ू का तिरस्कार करना, उल्टा सीधा गंदी टूटी फूटी झाड़ू रखना, ये सब भी दारिद्र की एक प्रकार से हम लोग दारिद्रता को बुलाते हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग घर में अपने कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती। घर की दहलीज, यानी कि कुछ लोग देखा हो जहां घर का मेन मुख्य द्वार होता है वहीं पर बैठ जाते हैं और गपशप करते हैं, खासकर महिलाएं, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। अगर एक साधक अपने घर में इस प्रकार का माहौल रखता है तो उसके घर में लक्ष्मी अवश्य रुष्ट होंगी। अगर इनको हटाता है, इनसे मुक्त होता है, तो उसके घर में सुख शांति अवश्य आएगी। हमको विश्वास है चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।